पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 अप्रैल होने वाली विजय संकल्प रैली के आयोजन से पूर्व रैली स्थल बुद्धि विहार के मैदान में भूमि पूजन का आयोजन किया गया। भूमि पूजन का शुभारंभ पंडित आचार्य संतोष प्रसाद विधिवत पूजा अर्चना व मंत्रों के साथ पूर्ण कराया। पूजन उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पश्चिमी क्षेत्र महामंत्री अशोक मोगा, पश्चिमी क्षेत्र उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी डी के शर्मा, पश्चिम क्षेत्र मंत्री देवराज सिंह, लोकसभा प्रभारी महेंद्र धनोजिया, महापौर एवं लोकसभा संयोजक विनोद अग्रवाल, जिला अध्यक्ष हरिओम शर्मा, महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता के साथ युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के पदाधिकारी सम्मिलित रहे। इस अवसर पर सभी से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आह्वान किया गया। आज जो प्रस्तावित माननीय प्रधानमंत्री की रैली है यहाँ मुरादाबाद लोकसभा के लिए, जिसमें तीन लोकसभा आनी है, रामपुर, संभल और मुरादाबाद, उस भूमि का पूजन था आज उस स्थल का। और कितने उल्लास में कार्यकर्ता सब लोग आए हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री की रैली में 2 लाख का लक्ष्य हमारा है, जिसमें लोग आने वाले हैं। कार्यकर्ता घर घर जाके इनवाइट कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पहुँचेंगे। आज उसका हमारे क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री श्रीमान अजय जी, क्षेत्र के महामंत्री, जिले के दोनों अध्यक्ष और सबके साथ पूरा संगठन लग के हरिओम शर्मा जी, महेंद्र गुप्ता जी सब ने मिल के इसका भूमि पूजन किया है। आज सर मेयर का कहना है कि 1 लाख लोग आएंगे, 2 लाख आएंगे, किसकी बात है? 1 लाख तो यहाँ होंगे ही होंगे, प्रयास तो 2 लाख का ही किया जा रहा है, तब 1 लाख पहुँचेंगे ना। आज कटाई चालू हो गई है, किसान का काम चालू हो गया, आपको पता होगा। ये किसान का काम चालू होने से संख्या घट गई? नहीं, संख्या नहीं घट गई, संख्या तो बढ़ जाएगी किसान का काम चालू होने से। और क्योंकि किसान ही आज देश की रीढ़ है, इसकी आप जानते होंगे, किसान, मजदूर, गरीब, ये प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिस आदमी ने, जो गरीब खुद हैं और गरीब की ही चिंता की है। आगे पहले वाले लोगों ने तो कभी की नहीं, ना बेटी बचाओ कहा, ना कभी शौचालय कहा, ना कभी गैस के कनेक्शन कहा। आप समझेंगे 13 करोड़ कनेक्शन 70 साल में दिए और 55 महीने में 13 करोड़ दिए। सोच के देखना गरीब कौन है, गरीब को गरीबी का नारा देने वाले या गरीब को ख़त्म करने वाले? जिस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि जो है कहीं ना कहीं पहले प्रधानमंत्री की एक लहर थी और अब नहीं है, तो क्या कहीं ना कहीं उसका असर? प्रधानमंत्री की रैली अभी आप कल देख के आते, कभी ईश्वर आपको वो देता समय, कल आप वो देखते वोटिंग का सिस्टम, पश्चिम में जो 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं कहीं भी नहीं है विपक्ष, कहीं भी लोग थे नहीं। कल शाम को ऐसे ऐसे बूथों पे मैं गया जहां विपक्ष का गठबंधन, महागठबंधन के कार्यकर्ता से मैंने पूछा कितनी वोट पड़ी हुई, कह रहे 5। आप सोचिए 2000 के बूथ पे ये स्थिति है। आपने बूथों का जिक्र करते हुए अपना बताया, लेकिन जो है जब आपने ये भी अभी कहा कि जो पहले के मुकाबले वोटिंग बढ़ी है, मगर जहाँ तक हम देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में कल वोटिंग हुई है वहाँ तो 1% कुल मतदान और कम हुआ है। मैंने कहा वोटिंग बढ़ी कहा है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा वोट ही नहीं पड़ा गठबंधन का। मैंने ये कहा वो आज जो भी आदमी वोट स्टेशन पर पहुँच रहा है ना वोट लगाने, वो सिर्फ मोदी की बात कर रहा है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है, वो सिर्फ काम की बात कर रहा है। आज विकास की बात हो रही है, आज समस्या निदान की बात हो रही है, आज भारत, नए भारत के निर्माण की बात हो रही है, आज समस्याओं के निस्तारण की बात हो रही है, आज देश को मजबूत करने की बात हो रही है, आज देश को आर्थिक